लॉकडाउन 3 की गाइडलाइन को लेकर सीएम अशोक गहलोत ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की। गाइडलाइन को लेकर मुख्यमंत्री ने यह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की और वीसी के जरिए लॉकडाउन के नए गाइडलाइन पर यहां पर चर्चा हुई। इंटरस्टेट मूवमेंट और इंट्रास्टेट मूवमेंट को लेकर भी यहां चर्चा हुई। अप्रवासी राजस्थानियों के आवागमन की तैयारियों की भी समीक्षा हुई। वीसी में मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा, सीएस डीबी गुप्ता, एसीएस होम राजीव स्वरूप, डीजीपी भूपेंद्र सिंह, एसीएस मेडिकल रोहित कुमार सिंह समेत कई अधिकारी यहां मौजूद और सभी जिलों के कलेक्टर, एसपीआईजी और सीएमएचओ वीसी में मौजूद रहे। लॉकडाउन 3 की गाइडलाइन की पालना को लेकर यह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, तमाम अधिकारी इस वीसी में मौजूद रहे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने यह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की लॉकडाउन 3 की गाइडलाइन की पालना को लेकर। तीसरा फेज शुरू हो चुका है लॉकडाउन का, 17 मई तक जो चलने वाला है। ऐसे में चुनौतियां और ज्यादा बढ़ गई हैं। और इसी खबर पर अधिक बातचीत के लिए एवन टीवी के वरिष्ठ संवाददाता नीरज मेहरा जी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। नीरज जी, देखिए चुनौतियां तो बहुत ज्यादा बढ़ चुकी हैं क्योंकि लॉकडाउन का तीसरा फेज शुरू हो चुका है, तो लोग बाहर भी निकलेंगे, लेकिन हालांकि गाइडलाइन जारी की गई है और उसी प्रकार से सारे इंतजाम भी हुए हैं, लेकिन किस प्रकार से आप देखते हैं क्योंकि चुनौतियां बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं? देखिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मुख्यमंत्री निवास पर वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जो है बातचीत कर रहे हैं और पूरे प्रदेश की स्थिति का जायजा ले रहे हैं कि आखिरकार जो लॉकडाउन 3 जो लागू हुआ है उसको लेकर क्या स्थिति है, क्योंकि इस बार जो लॉकडाउन 3 है उसमें जोन स्तर पर तय किया गया है कि ग्रीन जोन, रेड जोन और ऑरेंज जोन बनाया गया है, उनमें अलग अलग स्थितियां रहेगी, उनमें अलग अलग प्रावधान रखे गए हैं बंद के। हालांकि जहां पर हॉटस्पॉट है या कर्फ्यू लगाया हुआ है उन पर किसी तरह की छूट नहीं दी गई है, वो भी सब स्पष्टीकरण दिया गया है, लेकिन इसके बावजूद भी क्योंकि जरूरी है अभी भी प्रदेश में, देश में कोरोना का खतरा मिटा नहीं है, गया नहीं है, ऐसे में जो लॉकडाउन 3 है उसकी पालना सख्ती से हो। सबसे बड़ी बात यह है कि लोग इसको यूं नहीं समझ ले कि लॉकडाउन हट गया है। बाजार में कुछ दुकानों को खोलने की अनुमति दी है, जो आवश्यकता की वस्तुएं हैं, जनरल स्टोर है, इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स है, इनकी कुछ दुकानों से खुलने की अनुमति दी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पूरे लॉकडाउन हटा दिया गया। जयपुर शहर में धारा 144 लागू रहेगी, जिन हॉट स्पॉट्स पर कर्फ्यू लागू है, कर्फ्यू लगा हुआ है, लोगों को आने जाने की अनुमति नहीं है, तो इन तमाम बातों की जानकारी मुख्यमंत्री ले रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने अप्रवासी राजस्थानियों के आवागमन की तैयारियों की भी समीक्षा की है, और जैसा कि आज कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी वहन करेगी मजदूरों के आने जाने का खर्चा, अनुमान लगाया जा रहा है कि कयास इस बात के लगाए जा रहे हैं कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी राजस्थान सरकार की तरफ से कोई मजदूरों के लिए, राजस्थानी श्रमिकों के लिए खासतौर पर कोई बड़ी घोषणा कर सकते हैं, कोई उनको राहत की बात कर सकते हैं, तो ये विषय के बाद पता लग पाएगा, लेकिन फिलहाल इस पर भी चर्चा हो रही है। और उन्होंने फिर जो दूसरे अन्य प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों से भी बातचीत की, जो गति है उसको तेज करने के आदेश दिया है। जिन अधिकारियों को लगाया गया है उन अधिकारियों को कहा गया कि इसकी जो लाइनअप किया जाए ताकि जो मजदूर फंसे हुए उनको लाया जाए, या जो राजस्थान में मजदूर है उनको भेजने की जो स्पीड है उसको थोड़ा बढ़ाया जाए। और इस दौरान उन्होंने जो रघु शर्मा और डीबी गुप्ता, एसीएस होम राजीव स्वरूप, डीजीपी भूपेंद्र सिंह, एसीएस मेडिकल रोहित कुमार सिंह, तमाम अधिकारियों से फीडबैक लिया कि उनके फील्ड में किस तरह की परेशानी आ रही है, उन्हें किस तरह से और नए स्टेप उठाने होंगे, क्या सावधानियां बरतनी होगी, क्योंकि देखिए मेडिकल में किस तरह की परेशानी आ रही है, क्योंकि सबसे बड़ी जिम्मेदारी सब मेडिकल विभाग की है, और मेडिकल विभाग की उनको परेशानियों को जानकर समझकर ही निर्णय लिया जाएगा। ऐसे में जो गृह विभाग है, डीजीपी खुद भूपेंद्र यादव उसमें मौजूद रहे, एसीएस होम मौजूद रहे, तो उन्होंने भी सरकार को तमाम तरह के सुझाव दिए हैं, और प्रदेश में अन्य जिलों में क्या समस्याएं आ रही है उनका भी फीडबैक मुख्यमंत्री ने लिया है, और कोशिश की जा रही है, मुख्यमंत्री का आदेश है कि लॉकडाउन 3 की पालना सख्ती से हो, जो गाइडलाइन केंद्र सरकार ने तय की है उस गाइडलाइन का पूर्णतया पालन हो, ताकि लोगों को किसी तरह की असुविधा भी नहीं हो और लोग इस कहीं अपनी मनमानी भी नहीं करें। इसके साथ ही राजस्थान में कुछ जो है जुर्माने का प्रावधान भी रखा गया है, यदि कोई भी व्यक्ति लॉकडाउन 3 का जो है उल्लंघन करेगा, तोड़ने के प्रयास करेगा, तो उसके खिलाफ जुर्माना वसूल करने की प्रावधान भी रखे गए हैं, उन पर भी सख्ती से कार्रवाई के निर्देश मुख्यमंत्री ने दिए हैं। मनीषा जी, बिल्कुल नीरज जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका, क्योंकि जिस प्रकार से चुनौतियां बढ़ती जा रही है सभी को सजग होने की जरूरत है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुद लगातार फीडबैक ले रहे हैं अधिकारियों से।